हाईवे से सटे सोनापुर से शॉर्टकट का एक रोड है। वह सड़क रात में सुनसान रहती है क्योंकि उस सड़क पर रात को टायरों के भूत घूमते हैं। पिछले कुछ दिनों से उन भूतों ने उस सड़क पर जाने वाले बहुत से लोगों को मार डाला। जो लोग उन भूतों के बारे में जानते थे वे लोग अंधेरा होने पर उस सड़क पर से नहीं गुजरते हैं। एक बच्चा एक बड़े टायर से खेलते हुए जा रहा है। उसके पीछे पीछे एक बूढ़ी औरत आ रही थी, लेकिन वो दोनों इंसान नहीं, भूत हैं, बहुत ही भयानक भूत। उनका काम है उस रास्ते पर से जाने वाले लोगों को बेरहमी से मारना। मुखिया जी, इस महीने की 9वीं दुर्घटना है। किसी ने लॉरी से हमारे कुमार की ऑटो को धक्का देकर उसे मार डाला। हाँ, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर अब कैसे? वह भी एक ही तरीके से, एक ही जगह पर हो रहे हैं। पुलिस वाले भी अज्ञात वाहन कह के बात खत्म कर देते हैं और बदनाम हो रहा है हमारा गांव। वे दुर्घटनाएं नहीं मुखिया जी, ये टायर भूतों की हत्याएं हैं, क्या आप नहीं जानते? मैंने किसी भूत को नहीं देखा बे, तुम खामोश, भूत प्रेत की अफवाह मत फैलाओ। लारिया हमारे गांव की ओर से जा रही है, इसलिए हमारे गांव के लोग सड़क के किनारे व्यापार कर पा रहे हैं। अगर तुम भूत प्रेत की अफवाह फैलाओगे तो इस तरह कोई नहीं आएगा, हमारा भी नुकसान होगा। सड़क के किनारे इसका ढाबा है, यह डरता है कि कहीं इसका व्यापार मंदा ना पड़ जाए। सोनापुर के प्रेसिडेंट कनक रत्न की गांव में सड़क के किनारे बहुत सारी दुकानें हैं, उनमें से एक है रत्नम ढाबा। सोनापुर हाईवे से सटा हुआ है। वह सड़क शॉर्टकट का रास्ता है। जो लोग जल्दी निकलना चाहते हैं उस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से वह सड़क हमेशा व्यस्त रहती है, लेकिन टायरों के भूत के डर से कोई उस तरफ नहीं जाता है। अंधेरा होते ही वो रास्ता वीरान हो जाता है, सोनापुर शॉर्टकट रोड। अरे ओ मधु, दिन ब दिन कलेक्शन गिरता जा रहा है। अब तक तो ड्राइवर शराब पीकर पेट भरकर खाना खाकर ही जाते थे, और अब देखो पूरा ढाबा खाली पड़ा है। क्या बताऊं साहब, भूतों का असर, बियर पर 10 रुपए डिस्काउंट देने पर भी कोई आने को तैयार नहीं है। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं है, ये सारी अफवाह है, हमें इस बात को गाँव में साबित करना होगा। बेतुकी बातें हैं। चलो, अच्छा खाली ढाबे में हम क्या करेंगे? हम शटर बंद करते हैं, चलते हैं। उसके बाद शटर बंद करके दोनों जीप में जा रहे हैं। रास्ता पूरा वीरान है, गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही है। क्या ड्राइविंग है बे, कहीं शराब तो नहीं पी रखी? थोड़ी सी पी है गुरु, पर मैं फुल कंट्रोल में हूँ, बस 2 मिनट में आपको घर छोड़ देता हूँ। 20 मिनट का रास्ता है और तुम 2 मिनट में ले जाओगे? मुझे साहब बोलने के बजाय गुरु बुला रहे हो, इससे मुझे अंदाजा हो गया कि तुमने कितनी पी है। पियक्कड़ कहीं का, गाड़ी ठीक से चलाओ। जीप को नशे में चलाते समय टायर भूत दिखाई देता है। शराब के नशे में झूमते हुए मधु को टायर भूतों ने हमला कर मार डाला। चोटों से कराते हुए प्रेसिडेंट ने भूतों को प्रत्यक्ष देखा। भैंसे भागते हुए और बुखार से बिस्तर पकड़ लिए मुखिया ने न जाने कितने ही डॉक्टरों को दिखाया, पर कुछ भी असर ना हुआ। एक दिन जब से मधु का एक्सीडेंट देखा, बिस्तर पकड़ लिया, कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते, अब तो सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। प्रसाद प्रेसिडेंट जी का इकलौता बेटा है, शहर में पढ़ाई कर रहा है। शरीर पर से चोट के निशान मिट गए हैं, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा है, क्या हुआ होगा मेरे पिता को? पता नहीं बेटा, रात होते ही अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं, टायर भूत मुझे मत मारो। टायर भूत? गांव में पूछताछ करने पर प्रसाद को पता लगता है कि गांव में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वह टायर भूतों के कारण। अपने पहचान के भूतों से छुटकारा दिलाने वाले तांत्रिक अप्पा जी के पास जाता है, जो कुछ हुआ सारी बात बताकर उन्हें अपने गांव ले आता है। अप्पा जी प्रेसिडेंट की परीक्षा करके उनके पैरों के पास खोपड़ी के पास नींबू लगाकर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। शरणु शाकिनी बम बमा बम, शरणु विशाचिनी बम बमा बम। मंत्र पढ़ते ही नींबू काला हो गया। प्रेसिडेंट के गले में मोती का हार भी काला पड़ गया। तो ये बात है, इस मोती के हार ने ही तुम्हारे पिताजी की रक्षा की है। गले से हार उतारते ही
तुम्हारे पिता मर जाएंगे। अरे ये क्या स्वामी, मेरे पिता ने क्या किया? मुझे नहीं पता उसने क्या किया, लेकिन एक भयंकर रूप वाले भूत ने तुम्हारे पिता को मारना चाहा और उनके छाती पर पैर रख दिया, लेकिन इस महिमावान मोती के हार ने तुम्हारे पिताजी को बचा लिया। देखना चाहते हो तो देखो। ऐसा कहकर प्रेसिडेंट का कमीज उतार कर देखने पर उनके छाती पर भूत के पैर की मुहर लगी हुई थी। उस हार को गले से उतारते ही तुम्हारे पिता मर जाएंगे। जब तक वो हार उसके गले में है, तब तक इसी तरह बिस्तर पर पड़ा रहेगा। क्या हमारे पिता को पूरी तरह से बचाने का कोई तरीका नहीं है? क्यों नहीं है? है, है बेटा, लेकिन बड़ा खतरा है। चाहे कितना भी खतरा हो, मैं अपने पिता के लिए करूंगा। बताइए स्वामी। उन भूतों को वश में करके बंदी बनाना होगा। यह लो, इस ताबीज को गले में पहन लो। ऐसा कहकर कान में कुछ रहस्य बताता है। आधी रात हो चुकी है। अप्पा जी के कहे अनुसार करने के लिए प्रसाद बड़े धैर्य के साथ उस सड़क पर गाड़ी में सवार होकर जा रहा है। रास्ते पर चलते जा रहा है, लेकिन भूत दिखाई नहीं दिए। उसी सड़क पर इधर उधर भटक रहा है, लेकिन कहीं भूतों का अता पता नहीं। कुछ समय के बाद, रात में सड़क पर जाना खतरनाक है, मौत निश्चित है करके कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन टायर भूत कहाँ है? क्या वाकई में मेरे पिता के बिस्तर पर पड़ने की वजह टायर के भूत है या? ऐसा सोच रहा था तभी कोई तेज गति से आ रहा है। मिनी वैन में एक हाथ में शराब की बोतल पीते हुए बहुत ही रैश ड्राइविंग करते आ रहा है। तुरंत टायर भूत प्रत्यक्ष हुआ। प्रसाद ने अपना आपा खो दिया और जब उसने यह सब देखा, किसी तरह हिम्मत करके दौड़ कर वहाँ गया। नारियल दिखाते हुए मंत्र पढ़ रहा है। शरणु शाकिनी बम बमा बम, शरणु पिशाचिनी बम बमा बम। प्रसाद के गले में मौजूद ताबीज के कारण भूत उसे कुछ नहीं कर पा रहा था। भूत आत्मा में बदल जाता है और उस नारियल में घुस जाता है। नारियल पर ढक्कन कसकर और भागते हुए अप्पा जी तांत्रिक के पास नारियल लेकर जाता है। असभ्य हस्त मुद्रा में रहकर पूजा करने पर आत्मा नारियल से बाहर निकलती है। अरे ओ पिशाचिनी, प्रेसिडेंट के हृदय पर पैर की मुहर क्यों लग गई? उन्हें क्यों मारना चाहती हो? एक नाव दुर्घटना में मेरा बेटा और बहू की मृत्यु हो गई। मेरा पोता अनाथ हो गया। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था। दिन रात रत्नम ढाबा में बर्तन मांझ कर वहां से थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी में रहता था। अवैध रूप से उस ढाबे में शराब की बिक्री के कारण ट्रक ऑटो वैन ड्राइवर सभी लोग शराब पीकर नशे में धुत होकर गाड़ी चलाकर बहुत सारे लोगों को टक्कर मारकर भाग जाते थे। नशे में इतने धुत होते थे कि टक्कर खाने पर आदमी जिंदा है या मर गया यह भी नहीं देखते थे। इन सब का कारण है वह प्रेसिडेंट। उसी के ढाबे में आधी रात को भी शराब की बिक्री होती थी। एक दिन एक लॉरी का टायर पंचर हुआ तो लॉरी ड्राइवर ढाबे पर आकर रुका। अरे भाई, नजदीक में कोई पंचर की दुकान है क्या? मेरी लॉरी का टायर पंचर हो गया। हाँ सिंह, लेकिन देर रात हो चुकी है। मैं डबल चार्ज लूंगा। नहीं नहीं नहीं, ट्रिपल चार्ज लूंगा। ट्रिपल चार्ज? वो क्यों भैया? क्या आप जानते हैं कि नशे में गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है? ठीक है, तो तुम जाओ और टायर पंचर करा कर लाओ। मैं इस बीच चार रोटियां खा लेता हूँ। इस तरह उस टायर को ऑटो के पीछे डालकर तेज गति से जा रहा था। नशे में धुत होने के कारण उसने टायर को ऑटो से नहीं बांधा था। तेजी से उसने ऑटो को स्पीड ब्रेकर पर चढ़ा दिया। टायर ऑटो से गिरकर सड़क पर रेंगते हुए झोपड़ी में सो रहे मैं और मेरे पोते के ऊपर चढ़ गया और वही के वही हम दोनों मर गए। अनाथ होने के कारण किसी का ध्यान अब तक हम पर नहीं गया। हमारी लाशें सड़ गई और हमारी हड्डियां अब तक मंदिर के पीछे वाली झोपड़ी में पड़ी हुई हैं। इसलिए उस दिन से शराब पीकर गैर जिम्मेदारी से बिना विवेक के जो गाड़ी चलाते हुए सड़क पर से गुजरता है उसे हम मौत के घाट उतार देते हैं। उस ढाबे में शराब बेचने वाला या प्रेसिडेंट मुझे मिला था, पर उसे मारने के लिए मेरी शक्ति कम पड़ गई थी। आपके साथ हुए अन्याय के लिए मुझे बहुत दुख है माँ, लेकिन प्लीज मेरे पिता को क्षमा कर दो। मुझे अनाथ मत बनाओ, मुझे अपना पोता समझो।
उसे जीवित करवाने के लिए, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलने के लिए तुम्हें पवित्र दुनिया में जाना होगा। बताओ क्या करने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? कोई भी नशे में धुत होकर उस सड़क पर गाड़ी न चलाए और दुर्घटना का कारण न बने। पहले उस शराब के ढाबे को बंद करवाओ। अगले ही पल प्रसाद जाकर उस ढाबे पर केरोसिन डालकर उसे जला देता है। मंदिर के पीछे झोपड़े में पड़े उस बूढ़ी और उसके पोते की हड्डियों का अंतिम संस्कार प्रसाद स्वयं करवाता है। टायरों के भूतों की आत्माएं शांत हो गई और उड़कर आकाश में विलीन हो गई। प्रेसिडेंट भी ठीक हो गए। अब सब गांव वालों ने सोनापुर प्रवेश द्वार पर एक चेक पोस्ट लगवा दिया। नशे में धुत ड्राइवर की उस रास्ते पर एंट्री नहीं है। अब रात में भी सोनापुर में चहल पहल थी।